तो ये देखिए, ये रहा आलू, देखिए इसका ऊपर बाल जैसा आई है, देखिए। तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल आज एक मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं, वो है आलू। आलू की करी बनाएंगे। ये जो आलू है तो ये एक नई किस्म का आलू है, तो दिखाएंगे आप लोगों को। और मिट्टी खोद के निकालेंगे, तो हमारा बाड़ी के अंदर बाबूजी ने लगाया है और ऐसे वो आलू, तो वो आलू को हम बोलते हैं मिट्टी आलू और कोई कोई भी बोलते हैं खम्बा आलू। तो आप लोगों को दिखाएंगे, कभी कभी लंबा लंबा बनता है और इस बार थोड़ा गोल गोल बनी है, तो दिखाएंगे। मिट्टी खोद के निकालेंगे। तो चलिए, तो निकालना शुरू करते हैं और खोदते हैं मिट्टी और दिखाएंगे आप लोगों को। वो जो आलू है, आलू के ऊपर एकदम बाल जैसा ऊपर आई है और खाने को बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं खोदना और खोद के आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें। और आप लोगों को दिखाएंगे, उसे काटेंगे, उसे मतलब करी बनाएंगे। तो बनाने तक आप लोगों को दिखाएंगे कैसे बना रहे हैं हम लोग करी और कैसे खाते हैं। और हमारा गांव में वो सब उसे बोलते हैं खम्बा आलू। तो दिखाएंगे आप लोगों को खम्बा आलू क्या है और किस तरह बनता है और किस टाइप का करी बनती है। और चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यहाँ से निकालेंगे अभी, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। देखिए इसके ऊपर कैसे बाल जैसा आई है, ये देखिए एकदम बाल जैसा। देखिए ये निकली है और भी है, यहाँ से निकालेंगे। और भी है तो यहाँ से निकालेंगे। तो ये देखिए, ये रहा आलू, देखिए इसका ऊपर बाल जैसा आई है, देखिए ये देख रहे हो ना। तो ये देखिए इसके ऊपर बाल जैसा। तो आज इसे बनाएंगे, आज इसे करी बनाएंगे। तो ये खाने को बहुत मज़ा लगता है और बढ़िया टेस्ट भी बनती है। तो आप लोगों को दिखाएंगे, खा के भी दिखाएंगे और इसे कैसे बनाते हैं उसका प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए कितना सुंदर आलू, ये रहा आलू और आलू का ऊपर ये रहा बाल। देखिए और भी है, हमारा दूसरा साइड लगी है एकदम बड़ा बड़ा लंबा लंबा, तो वो निकलेगा। तो ये एक किस्म का आलू है और वो दूसरा किस्म का आलू है। तो ये देखिए तो देखिए हमने आलू निकाल लिया है, ये देखिए। तो आप लोगों को बताया था ये जैसे बाल जैसे आई है, देखिए ये जो आलू है खाने को बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए इतना छिलका निकल गया। तो देखिए तो आज इसे बनाएंगे करी। ये देखिए गली में लेके जा रहा है आलू और इसे साफ करेंगे। साफ करने के बाद इसे बनाएंगे। गुगो
तो देखिए कितना बड़ा आलू निकला है, इसे लगाएंगे। ये देखिए ये वाला ऊपर वाला चीज जो है इसे लगाएंगे। ये देखिए इसे बोलते हैं खम्बो आलू, और साथ में हम लोग बोलते हैं मिट्टी आलू। तो देखिए किस तरह पहले उसे छिलका निकालते हैं, तो देखिए मम्मी उसका छिलका निकाल रही है। इसे धो लेंगे, अभी धो के साफ करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें भाई। हम लोग किस तरह बनाते हैं करी तो आप लोगों को दिखाएंगे। और इसके साथ मम्मी आज आमड़ा डाल के तो कुछ खट्टा टाइप का बनाएगा करी। तो आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें कौन सा करी बना रहे हैं हम लोग। तो हमारा गाँव में तो इस तरह खाते हैं, किस तरह खाते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए इसमें हमने पानी डाल दिया है, अभी उसे दो तीन बार धोना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एकदम लगी है इसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगी है। इसको एकदम अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं पहले। तो देखिए एकदम फाइनल हमने धुलाई कर लिया है, बस इसे ढक के रखते हैं और बनाएंगे इसे करी। और साथ में तो इसमें आमड़ा डाल के मम्मी बनाएगा, आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अभी तो भात बैठी है, देखो क्योंकि चूल्हे में अभी भात बना रहे हैं, तो भात बनने के बाद ये करी बनेगा। तो यहाँ पर ढक के रख देते हैं। जो
तो देखिए पहले पानी को थोड़ा गर्म किया जा रहा है और साथ में हल्दी और नमक दे के उसे थोड़ा उबालेंगे, मतलब थोड़ा पकाएंगे उसे। देखिए गर्म पानी में डाल दिया गया और उसे थोड़ा ढक देंगे कुछ टाइम के लिए। तो इसे थोड़ा सिझाएंगे, मतलब थोड़ा उबाल लेंगे थोड़ा नरम होने के लिए। तो नरम होने के बाद बनाएंगे। तो देखिए अभी चूल्ही में बैठ चुकी है। तो देखिए आलू थोड़ा उबल जाने के बाद ये रहा आमड़ा, जैसे कि पूरा एकदम पका हुआ आमड़ा है। देखिए इसमें से रस निकलेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम पका हुआ, देखिए किस तरह रस निकल रहे हैं। देखिए ये पका हुआ आमड़ा है, ये मैं तोड़ के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए तो इसे डाल के बनाएंगे, एकदम बढ़िया बनती है, थोड़ा खट्टा खट्टा लगती है। कवा लकड़ी डाल दिया है मम्मी ने, देखिए कितने जोर से आग लग रही है। और साथ में वहाँ पर चल रही है आमड़ा की थोड़ा घिसाई चल रही है, तो उसका रस निकाल रही है मम्मी। हमारा एक मुर्गा है, वो जोर जोर से चिल्ला रही है क्योंकि वो दो दिन से हम लोग उसे छोड़ नहीं रहे बाहर, तो इसलिए वो चिल्ला रहा है। तो देखिए हमारा आलू भी पक चुकी है, आप लोगों को दिखाते हैं तो किस तरह पकी है। देखिए कितना सुंदर से पकी है, एकदम बढ़िया पकी है। तो चलिए अभी इसमें जो आमड़ा का रस है तो दे देते हैं। ये देखिए आमड़ा का रस मम्मी ने डाल दिया है। वो आज का करी एकदम डिफरेंट बनेगा क्योंकि गांव के लोग इस तरह खाते हैं, हम भी इस तरह खाते हैं। आप लोग किस तरह खाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये तो टोटल ऑर्गेनिक है, देखिए इसमें कोई मसाला वगैरह हमने ऐड नहीं किया है, एकदम बस उसे थोड़ा उबाल है, उसके बाद थोड़ा आमड़ा का रस दे दी और हो गया हमारा करी, बस बनाएंगे। तो हम लोग तो इस तरह खाते हैं, तो आप लोग किस तरह खाते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और ये जितना स्वादिष्ट बन रही है वो करी बनने के बाद और भी स्वादिष्ट बनेगा। हम लोग तो इस तरह खाते हैं, आप लोग किस तरह खाते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। देखिए बिल्कुल भी मसाला नहीं ऐड नहीं किया है, हम लोग गाँव के लोग हैं, बस ऑर्गेनिक खाते हैं। ये टोटल ऑर्गेनिक है, ये मिट्टी के अंदर रहता था और हमने निकाले, इसके ऊपर कोई मतलब और कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं दिए हैं, बस ऐसे ही मिट्टी से ये बनती है, एकदम मस्त बनी है। तो खाए तो कमेंट में बताइएगा किस दिन आएगा, हम लोग खिलाएंगे आप लोगों को पेट भर के। आज का करी एकदम मस्त बनी है। तो देखिए फाइनली हमारा करी बन चुकी है। देखिए
बिल्कुल भी मम्मी ने मसाला ऐड नहीं किया है, बस जो टमाटर उसने सिझा के रखा था उसे थोड़ा कुचल के दे दिया है। तो इसका जो मतलब वो टेस्ट जो है एकदम खट्टा खट्टा है, एकदम बढ़िया लगती है। मैं तो खा के आप लोगों को दिखाया कैसा टेस्ट है। तो चलिए इसे भात के साथ खाते हैं और मज़ा लेते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह हम लोग गाँव के लोग किस तरह खाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा आलू करी एकदम मस्त बनी है। देखिए मेरा आलू वाह क्या सुंदर पकी है, मुझे तो बहुत पसंद है इस तरह खाने का। देखिए आप लोग किस तरह खाते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। स्वादिष्ट बनी है। हम लोग खा रहे हैं ये देखिए आलू करी और साथ में साग, ये पूरी का साग है। आज हम पहली बार खा रहे हैं ये आलू, मिट्टी आलू का करी। इसमें जो आमड़ा का जो रस दिया है ना थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है, एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्ट लगती है। तो हम तो इस तरह खाते हैं, हम तो गांव के लोग हैं बस इस तरह खाते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी मसाला वगैरह ऐड नहीं किया है, बस ये टमाटर जो है तो इस तरह कुचल के मम्मी ने दे दिया था और साथ में आमड़ा का रस और थोड़ा नमक, एकदम मस्त लगती है। बस हमारा पेट तो भर चुका है, बस और नहीं खा पाएंगे। फिलहाल आज का करी तो खा लिया, एकदम मस्त बनी थी और मज़ा आ गया खा के। तो हम तो इस तरह खाते हैं, आप लोग किस तरह खाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार रेसिपी के मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जगन्नाथ।